दे खुदाया हौसला। मेरा 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 हेलो एम्बुलेंस। सामा फोन उठा लो। हेलो सामा, उसमें मेरा बेहोश हो गई है, मैं उसे हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ हॉस्पिटल में। आ जाओ तुम जल्दी से। हाँ हाँ वही हॉस्पिटल है, तुम बस जल्दी से आ जाओ, सब कुछ छोड़ दो। मेरा 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 क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया? इनकी फाइल कहाँ है? फाइल कहाँ है इनकी? पेशेंट के साथ कौन है? डॉक्टर मैं हूँ, इनका भाई। ओह मिस्टर उसामा, कैसे हैं आप? जी जी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरी बहन की तबीयत नहीं ठीक। जी वो तो मैं देख रही हूँ। और आपकी मिसेज कैसी हैं आप? जी ठीक हैं वो। लास्ट टाइम जब आपकी वाइफ आई थी तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या मतलब? उन्होंने कोई जहरीली गैस इनहेल कर ली थी जिससे बेबी की हार्ट बीट बंद हो गई थी और वो एक्सपायर्ड हो गया था। उनका उसी टाइम ऑपरेट करना जरूरी था, लेकिन आपकी सास एक दिन का कहकर उनको ले गई। ऐसी कंडीशन में ऐसे हम करते तो नहीं हैं, लेकिन आपके बड़ी बहन की वजह से मैंने उनको जाने दिया था। वो दोबारा आई ही नहीं, इसीलिए मैं उनका पूछ रही थी आपसे। इसने उसका हाथ पकड़ के उसे धक्का दे दिया। फिर हाँ मेरा मेरी बच्ची मेरी जान मेरा, मुझे माफ कर दो बेटा। कैसी बातें कर रही हैं आप? ये तो तुम्हारा जर्फ है बेटा, वरना हम लोग माफी के काबिल नहीं है। साजन अम्मी क्या कह रही है? अम्मी आप प्लीज मुझसे माफी मत मांगे, मुझे शर्मिंदगी हो रही है। मेरा हमारी छोटी बहन है, हमने तो हमेशा इसका बहुत ख्याल किया है। आप लोगों ने वाकई अच्छा नहीं किया। आप ठीक कह रही हैं, हमने बहुत गलत किया मीरा के साथ। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बोलने का मौका भी नहीं दिया। मैं तो इस काबिल भी नहीं हूं कि तुमसे नजरें उठा के बात कर सकूं। जिंदगी में बहुत कुछ झेलना पड़ता है। पिया कहती हैं कि औरत का घर तिनकों से बना होता है, तूफानों और हवाओं पर कोई एतबार नहीं होता। माफी मिल सकेगी मुझे? मैं तो कभी नाराज थी ही नहीं। नाराजगी और खफगी तो आप लोगों ने दिखाई, मुझे मेरे हर रब्ते के जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। ये सब मेरा कसूर है, मेरी वजह से हुआ है। नहीं आंटी, गलतियां तो सबसे होती हैं, बस माफ करने का जर्फ होना चाहिए। घर में सब कैसे हैं? ईशल कैसी है? सब ठीक है, बस तुम्हारे बगैर मेरा घर बिल्कुल सूना सूना हो गया है। आपको एहसास हो गया ना, यही काफी है।
मेरा बेटा, आज मैं मान गई हूं तुम्हारी बिया ने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की है। उसने वाकई माँ बन के तुम सबको पाला है। सिर्फ एक माँ ही ऐसी तरबियत कर सकती है। खुश रहो, आबाद रहो। तो रेने आप क्या बात है, क्या चाहिए? आप मुझे बताएं आपको क्या चाहिए, क्यों मेरे पीछे पड़ गई हैं आप? क्या मतलब? आपने साइम से क्या कहा है? आप ना साइम को अपनी बातों के जाल में फंसा सकती हैं, मगर मुझे हरगिज नहीं। परवा, ना तो मुझे किसी को समझाने की जरूरत है और ना ही बहकाने की। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि तुम क्या कह रही हो। आपने साइम से कहा है कि आप मुझे घर लेकर आई थी, मैं घर से भाग रही थी। तुम क्या कहना चाह रही हो, मैं समझ नहीं रही। वाओ, सारी बातें करके बात में अनजान बन जाना, ये तो फितरत है ना आपकी। फरवा, मेरा सर शदीद दर्द कर रहा है, मेहरबानी होगी जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे बात नहीं करनी, मैं जब अपने दिल को आपके लिए नरम करने लगती हूँ, आप कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देती हैं कि साबित हो जाता है कि मैं आपकी सतेली बेटी हूँ। परवा, मेरा सर शदीद दर्द कर रहा है, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, जाओ यहाँ से। मैं तो यहाँ से तब तक नहीं जाने वाली जब तक आप अपनी सारी गलती नहीं मान लेती। कहा ना, मेरा मूड ठीक नहीं है और ना ही मेरी तबीयत ठीक है, जाओ यहाँ से। मेरा मूड खराब है, मैं बात नहीं कर सकती, जाओ यहाँ से, जाओ। क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं डैड, मैं इनसे अपने कुछ सवालों के जवाब लेने रही थी। कौन सा सवाल? कुछ नहीं डैड, आप छोड़ दें। आज के बाद इस घर में जो भी होगा मुझे चुप कर नहीं होगा। मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि इस घर में चल क्या रहा है, मेरी नॉलेज में होना चाहिए सब कुछ। फरवा, बस भी कर दो मुझे परेशान करना। मानती हूं कि तुमने मुझे कभी भी अपनी माँ की जगह तस्लीम नहीं किया, मुझे हमेशा नीचा दिखाने और गिराने की कोशिश में लगी रही, मगर आप बस कर दो, इंसान हूं मैं। परवा, आपको परेशान नहीं कर रही, ये आपकी अपनी हरकत है जो आपकी रुसवाई का बायस है। ठीक है जाबियार, मैं ही गलत हूं, मैं ही बुरी हूं, अल्लाह गवाह मैंने आपके बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं सोचा। ये क्या हो रहा है डैड? पछता रहा हूं मैं ये शादी करके। डैड, अभी क्या कह रहे हैं? तुम लोग बिल्कुल ठीक थे, मेरा इंतखाब गलत था। नहीं डैड, आपका इंतखाब गलत नहीं है, आपका इंतखाब बिल्कुल ठीक है हमारे लिए। रहने दो साहिब, तुम भी किन को कह रहे हो जिनको मेरी कुर्बानियां याद नहीं? कुर्बानियां? ठीक है, मैं गलत हूं तो गलत ही सही, आप भी ठीक हैं और आपके बच्चे भी ठीक हैं। गलती सारी मेरी थी, मुझे फरवा की गलती को छुपाना नहीं चाहिए था, उसी वक्त बता देना चाहिए था। जब ये लड़की भाग रही थी तो मैं इसको पकड़ के वापस लेकर आई थी। अब आप हाथ से पड़ रही हैं, मेरी बेटी पर इतना खटिया इल्जाम लगा। चलो फरवा, आपने रहना रही है, जाना है जाइए। गलत उम्मीद लगा ली थी मैंने, जागने के लिए थप्पड़ जरूरी था। टूरे ने आप इससे लेके आई थी, ये तो भागने वाली थी उस लड़के के साथ जिसने हमारे घर उस दिन पिक्चर्स भेजी थी डैड, और इसका इल्जाम भी इसने दूरे ने आप पे डाला डैड। साइम सच कह रहा है डैड, आप पे किससे पूछ रहे हैं डैड? इसने पूरे ने आपकी तब कदर नहीं की
जब उसने इसी का साथ दिया तो अब ये क्यों करेगी? मुझे तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी बेटा। डैड, आपको मेरी बात पे फौरन यकीन आ गया, लेकिन उनकी बात पे नहीं आया जिन्होंने इस घर की खातिर खुद को कुर्बान कर दिया। बहरहाल डैड, मैं इस घर में मजीद नहीं रुकूंगा। पर वो एक बार कह दो, एक बार कह दो कि ये सब झूठ। डैड मुझे माफ कर दे, डैड प्लीज मुझे माफ कर दे, डैड प्लीज, डैड आई एम सॉरी डैड, विश यू स्टार्ट डैड प्लीज, डैड प्लीज, डैड आओ सामा, बैठो, खाना लाऊं तुम्हारे लिए? हानिया ने, मैंने तो खा लिया खाना। बस कर दे खाना, और कितना दिखावा करेंगी आप अच्छा होने का? उसामा, आप मेरी अम्मी से इस लहजे में बात नहीं कर सकते। वाह हानिया, मैं तुम्हारी माँ के खिलाफ बोल भी नहीं सकता, और यहाँ तुम और खाला मेरी जड़ें काट रही थी, मुझे तो पता ही नहीं चलने दिया तुम लोगों ने। उसामा, आपने जो भी सुना है ऐसा नहीं है। बस आनिया, खामोश, मैं कोई और लफ्ज नहीं अब सुनूंगा तुम्हारे मुंह से। नफरत है मुझे तुमसे, कैसी माँ हो तुम, और आप खाला, आपने तो मेरे बच्चे की जान ली और मुझे गुमराही में रखा। मैंने अपनी पाक दामन बहन पे कितना घिनौना इल्जाम लगाया। उसामा बेटा, वो एक हादसा था, कोई भी माँ जानबूझकर अपने बच्चे की जान कैसे ले सकती? आप जान लेंगी खाला, आप जान लेंगी, क्योंकि आपके अंदर तो एहसास नाम की कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लालच है आपके अंदर। भैया, भैया, भैया बिल्कुल ठीक कहती थी। भैया, 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 क्या कहती थी वो? वही कहती थी ना कि एक दिन मैं तुम दोनों का घर खराब कर दूंगी, वही कहती थी ये, और अम्मी देखे उन्होंने मेरा घर तबाह कर ही दिया है। चुप कर, ये लोग तो है ही मक्कार, इन सबको अदाकारी करने पर अवार्ड मिलने चाहिए। आपको अवार्ड तो आप लोगों को मिलना चाहिए, किस तरह से आप लोगों ने खुदकुशी का ड्रामा करके मुझे अपने जाल में फंसाया। ना जाने मेरी आंखों पर कौन सी पट्टी बंधी थी। सुसामा, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया जो आप इस कदर जहर उगल रहे हैं। अम्मी ने कहा है ना कि सब एक हादसा था, तो आप मान क्यों नहीं जाते हैं? तुम कातिल हो मेरे बच्चे की। कर दे उसामा, एक माँ पर अपने बच्चे को कत्ल करने का इल्जाम लगा रहे हैं क्या? बस कर दे, आप दोनों ये मगरमच्छ के आंसू बहाना मेरे सामने, अब तो आप दोनों की हकीकत मेरे सामने आ गई। हाँ, मैंने ही झूठ बोला था, जान के किया मैंने ये सब कुछ, मेरा बेबी इल्जाम मैंने ही लगाया था, आपको घर छोड़ने पर ही मजबूर किया मैंने, पता है आपको, ये सब मैंने किया है, क्या कर लेंगे आप? बताएं, आप बोले ना, बोल क्यों नहीं रहे? वाह हानिया, अभी भी तुम्हारे अंदर कितनी अकड़ है, कितनी डिटाइन है, तुम जरा भी शर्मिंदा नहीं हो अपनी हरकत पे? नहीं, नहीं हूं मैं शर्मिंदा, क्यों होंगी मैं शर्मिंदा? मेरा कोई हक नहीं है, क्या मैं नहीं अच्छी जिंदगी गुजार सकती थी?
उस घर में मेरा दम घटता था। बिया 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 हर चीज बिया की मर्जी से बिया की गुलामी करते थे वहां। नहीं लेना चाहती थी मैं उधर। बस अब एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा मैं। मैं क्यों बस करो सामा? तुम मुझ पर लान तान करो, मैं तुम्हें आईना भी ना दिखाऊंगा। तुम्हारी बहनें, तुम्हारी सारी बहनें नागिनें हैं। मेरी जिंदगी तबाह कर दी उन्होंने। मेरी बहनें नागिनें हैं ना, और तुम इस घर में गुलाम। चलो ठीक है फिर हानिया, आज मैं तुम्हें गुलामी से आजादी दे ही देता हूं। हानिया, मैं उसामा सिद्दीकी अपने होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। नहीं, नहीं सर। तलाक देता हूं। चुप खाला चुप। आज बोलने की बारी मेरी है। और हानिया तुम्हें 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 कभी माफ नहीं करूंगा। अच्छा सबूत दिया तुमने। मैं तुम्हारा वजूद एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपना सामान उठाओ, निकलो यहां से, निकलो यहां से। गेट लॉस्ट। तुमने दूध पी लिया? पीने लगी हूँ। मैं अभी अम्मी को बुलाता हूँ, वो खुद आके दूध पिलाएंगे तुम्हें। मैं पी लूंगी। एक सेकंड। क्या हुआ? इधर आए बैठे शाज़ेन, आपको पता है ना, माफ करने वाला ज्यादा बड़ा होता है। जब उस दिन उसामा भाई ने मुझसे माफी मांगी, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि बहन भाइयों को कभी कोई अलग नहीं कर सकता। रिश्ता ही ऐसा है। तो फिर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सगे खून के रिश्ते होते हैं ना, ये कभी जुदा नहीं होते, चाहे जितनी भी नाराजगी हो। क्या कहना चाह रही हो? आपको नहीं लगता कि हमें ईश्वर को माफ कर देना चाहिए? उसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो छोटी है, नादान है, हम बड़े हैं। अगर हम नहीं समझाएंगे तो उसे कौन समझाएगा? लेकिन उसे ऐसी सजा देनी चाहिए कि वो जिंदगी भर याद रखे और कभी दोबारा ऐसी गलती ना करे। शाज़ेन, आप सिर्फ उसके बड़े भाई ही नहीं बल्कि आप उसके दोस्त भी हैं। आप उसे समझाएंगे ना तो वो समझ जाएगी। दोबारा किसी और के पास नहीं जाएगी मशवरा करने, सबसे पहले आपसे बात करेगी। अच्छा भाभी, आपको अम्मी नाश्ते पर बुला रही हैं। तुम क्या अपने किए पर दिल से शर्मिंदा हो? भाई, मैं आपको सिर्फ लफ्जों से ही समझा सकती हूँ कि मैं दिन ही दिन में कितना शर्मिंदा हूँ। मैं लफ्जों को जोड़ ही नहीं पा रही कि मैं आपसे किस तरह माफी मांगू। प्लीज भाई, मुझे माफ कर दे।
ठीक है ईशा, लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है, तुम्हारी इस एक गलती की वजह से क्या कुछ हो सकता था। भाई मैं वादा करती हूं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी। तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम्हारा मुआफिज हूं, इसीलिए मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं। तुम्हें जिंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी ना, सबसे पहले मुझे बताना है तुम्हें। खुश रहो, मैं फोन सुन के आती। ये क्या किया? हम जिस दौलत के लिए, जिस हिस्से के लिए आपस में लड़ रहे थे, उसे कहीं ज्यादा बढ़ के पिया ने हमारे नाम कर दिया। अपने लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने। आसिफ, मुझे जायदाद हिस्सा नहीं चाहिए। माजबीन, हौसला रखो, मुझे तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा है, और ऐसी बातें नहीं करते, ऐसी बातों से अल्लाह नाराज होता है। तो मैं क्या करूं आसिफ, मुझसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता। हमने सारी जिंदगी अपनी बहन को सिर्फ दुख और तकलीफें दी है। मुझे ये जेवर, ये पैसा, ये हिस्सा कुछ नहीं चाहिए आसिम। देखो माजबीन, ये दुनिया ही ऐसी है, हम अपने मुफाद के लिए दूसरे इंसानों का इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल नहीं करते कि वो किस हाल में है। मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं खुद को। माजबीन तुम परेशान मत हो, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ, यहाँ बैठो। पिया, आप जानती हैं कि आज इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी। मैंने अपना घर टूट से देखा, एक घर को बनाना और उसको टूटने का एहसास आज हुआ। मुझे सब याद है भैया, किस तरह से आप मुझे बिरहा को लाट किया करती थी, किस तरह से आप हमें स्कूल छोड़ने जाया करती थी। आप ही माँ थी, आप ही बाप थी, पर आप ही पिया, इतने किरदार कैसे अदा कर लेती थी आप। मुझे आज इस बात का एहसास हुआ, आप बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी, हम सबकी। आपको पता है पिया, हमारे इस नायाब विला को किसकी नजर लगी?
मेरी खाला की और उस हानिया की। भैया आप मेरा यकीन करें, मैं कभी भी चोरी शादी नहीं करना चाहता था। मुझे खाला ने और हारिया ने ट्रैप किया। हारिया ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। भैया मेरे बच्चे की जान हारिया की वजह से गई। उसने इल्जाम मेरे पे लगा दिया। किसी औरत पे वो, कोई औरत इतनी कैसे कर सकती है भैया? हमारे इस घर को नजर लगाने में सबसे बड़ा हाथ मेरा खाला का और उस हानिया का था भैया। खाला ने और हानिया ने मेरे नया पिला को क्या से क्या बना दिया, क्या से क्या बना दिया। मुझे इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए था भैया, लेकिन नहीं भैया, मैंने अब एक सेकंड भी सब्र नहीं किया। मैंने उस हानिया को तलाक दे दी। अब तो मुझे कोई भी माफ नहीं करेगा भैया। मेरी गलती इतनी बड़ी, मुझे मुझे कोई माफ नहीं करेगा। मैं कैसे सबसे नजरें मिलाऊंगा भैया? भैया आप सुन रही हो ना भैया? आज जो टूटा आपने भी जिंदगी के इस सफर पर मुझे अकेला छोड़ दिया। अपना सपना कुछ हमें दे गई गई, अपनी जिंदगी भी हमारे नाम लायक गई। हम इतने लालची हो गए थे कि दौलत के चक्कर में हमें रिश्ते ही नहीं नजर आए। हमने अपनी माँ जैसी बहन की कदर ही नहीं की। दे खुदाया हासिल।